13 ताकतवर तरीके कि वो आपको पागलों की तरह मिस करे। हम में से हर कोई ऐसा बॉन्ड चाहता है, ऐसा जोड़ चाहता है कि जो हमारे ताल्लुकात को जोड़ कर रखे, जो हमारी मस्तियों को, हमारी खुशियों को बरकरार रखे। इन मस्तियों को, इन खुशियों को बरकरार रखने के लिए आप लड़कियों को ऐसे ज़बरदस्त 13 तरीके बताने जा रहा हूँ। कि वो आपको पागलों की तरह मिस करेगा, तो तैयार हो जाएं ऐसी सीक्रेट बातों के लिए जो कि सुनने में मज़ाक़ा खेज़ हैं, लेकिन अगर उन्हें इस्तेमाल में लाया जाए तो आप अपने पार्टनर को ना सिर्फ घायल बल्कि दीवाना पागल बना सकती हैं। सब्सक्राइब, जो लोग मेरी वीडियोस को शौक से देखते हैं और पसंद करते हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। अगर आप ऐसा कर लेंगे तो मेरी आने वाली नई वीडियो पलक झपकते आप तक पहुंच जाएगी और आपको मेरी वीडियोस को तलाश करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। पहला तरीका, उसके साथ यादगार वक्त गुजारें। पहला तरीका तो ये है कि आप उसके साथ कुछ ऐसा वक्त गुजारें कि वो यादें उससे जुड़ जाएं और ये यादें उसे आपकी याद दिलाती रहें। इससे ये होगा कि जब वो आपसे अलग होगा, दूर होगा, तो वो आपके ही मुतालिक सोचता रहेगा, ख़ास करके वो लम्हा जो उसने आपके साथ डेट पर गुजारे होंगे। ये एक टॉनिक का काम करेंगे। दूसरा तरीका, इंतज़ार करवाएं। दूसरा तरीका, जब हमें किसी की आदत पड़ जाए तो हमारे लिए वही सब कुछ हो जाता है। बिल्कुल आपने भी उसके अंदर अपनी आदत डालनी है। उसे मिलने से पहले थोड़ा तरसाएं, यानी उसे इंतज़ार करवाएं। इंतज़ार से उसे दर्द होगा, आपकी कमी शिद्दत से महसूस होगी। उसके लिए तरने वाला ना बने। किसी चीज़ की अहमियत तभी होती है जब वो हमें मुश्किल से मिले। तीसरा तरीका, उसे अपने करीब आहिस्ता आने दें। औरत मर्द की कमज़ोरी है, जैसा कि उसे आपकी ज़रूरत है इस हिसाब से उसको अपने करीब आहिस्ता आहिस्ता आने दें। मर्द इस मामले में औरत से काफ़ी तेज़ है कि वो उसे हासिल कर ले। वो आपको याद तभी करेगा जब उसने आपको मुकम्मल तौर पर हासिल ना किया हो। अगर आप अपना सब कुछ उसे सौंप देती हैं तो याद रखें आप बड़ी गलती पर हैं। अपने फैसलों में अपने दिल को मार कर अटल रहें, फिर देखें जादू कि क्या होता है। याद रखें आपकी थोड़ी सी दूरी आपके पार्टनर में खलबली मचा सकती है। जब आपको इस बात का इल्म हो जाए कि उसे कैसी औरत पसंद है तो ऐसी ही बनकर रहें ताकि वो आपके लिए तरपे। आप उसके दिमाग की स्टडी करती रहें कि उसे क्या पसंद है क्या नहीं, फिर आप देखेंगी कि वो आपका आदी बन जाएगा। पांचवा तरीका, कभी कभी राब्ता मुनकता कर दें। कभी कभी कॉल और टेक्स्ट का राब्ता मुनकता कर दें और उसको शुरू से ही अपनी आदत बना लें। वजह पूछने पर बहाना करें कि लाइट नहीं थी, या मम्मी डैडी करीब थे, या बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, या हमारे घर इस बात की इजाज़त नहीं वगैरह। इससे वो और भी आपके लिए तरपेगा। छठा तरीका, हर वक्त उसके लिए दस्तियाब ना हो, अपनी डिमांड बढ़ाएं। जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसकी डिमांड नहीं होती। आपने भी उसे आसानी से नहीं मिलना और ना ही उसके हाथ आसानी से आना है, बल्कि उसे तरपाना है। अगर आप आसानी से उसके लिए दस्तियाब होंगी तो वो आपको कभी मिस नहीं करेगा। अगर आप चाहती हैं कि उसका दिल मुकम्मल तौर पर जीत लिया जाए तो थोड़ा सा रुक जाया करें, यानी पॉज। कोशिश करें कि उससे हफ्ते में एक बार मिलें और ज़्यादातर वक्त अपने दोस्तों और वालिदैन के साथ गुजारें। थोड़ा दिल को मारना सीखें जिससे आपका पार्टनर जलेगा, और यही टॉनिक है कि वो आपके लिए तरपे। सातवां तरीका, शुरू से ही थोड़ा फासला रखें। मर्दों की बनिस्बत औरत के ये शुरू से ही आदत रही है कि वो औरत के करीब आना चाहते हैं, और ये कुदरती है कि कोई तो किसी की जानिब खिंचा चला आए। इसीलिए फासला रखें अपने आप को।
अपने पार्टनर से दूर रखने से आपकी कदर और इज्जत में भी इजाफा होता है और साथ ही साथ एक दूसरे की तलब में भी नुमाया इजाफा देखने को मिलेगा। आठवां तरीका, गुफ्तगू का इख्तिताम आप करें। जी हाँ, बातचीत का इख्तिताम आप करें, लेकिन क्यों? जी हाँ, ये एक नफ्सियाती खेल है, क्योंकि अगर उसने अलग होते वक्त वो आपकी आवाज़ नहीं सुनी होगी तो वो आपको दोबारा कॉल कर सकता है या टेक्स्ट कर सकता है। इसका मतलब वो आपसे मुख्तसरन ही सही लेकिन राब्ता करना चाहता है, और यही आपका मकसद होना चाहिए। नवा तरीका, सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करें। अगर आप दोनों का मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा है तो शुरू से ही उसके दिमाग में ये बात डाल दें कि आप सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करती हैं, वैसे आप किसी और आईडी से उसे सोशल मीडिया में देख सकती हैं। लेकिन लाइक और कमेंट कुछ ना करें और अपने मोबाइल से बहुत ही कम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, और जब भी करें एक फ़ोटो ज़बरदस्त किस्म का शेयर करें जो उसे हिला कर रख दे। आपकी ये शेयर की गई ये तस्वीर उसे आपके करीब रखने में बहुत ही अहम किरदार अदा करेगी। दसवां तरीका, सेंट का इस्तेमाल करें। सेंट या खुशबू का इस्तेमाल किया, आप जानते हैं कि हमारे सूंघने की सेंस हमारी यादों से जुड़ी रहती है। जी हाँ, अगर आपसे कोई प्यार करता है और आप किसी मखसूस और बहुत ही अच्छी खुशबू का इस्तेमाल जारी रखें तो याद रखें ये खुशबू आपके पार्टनर के दिमाग से जुड़ जाएगी, और जब भी उसे कोई खुशबू आएगी वो आपको याद, आपको मिस ज़रूर करेगा। ग्यारहवां तरीका, मसरूफ़ रहें, खुश रहें। अगर आप मसरूफ़ रहेंगी इसका फ़ायदा ये होगा कि आपका पार्टनर आपसे रابطہ करने में दुश्वारी का सामना करेगा। आपका मसरूफ़ होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आप मुख्तलिफ मशागिल में दिलचस्पी लें, दोस्तों में रहें, घर के कामकाज में दिलचस्पी लें। मसरूफ़ रहने से आप खुश रहेंगी और मर्द हज़रात खुश रहने वाली लड़कियों को ज़्यादा पसंद करते हैं। बारहवां तरीका, सबसे ज़्यादा अपने चेहरे पर तवज्जो दें। सबसे ज़्यादा अपने चेहरे पर तवज्जो दें, क्योंकि मर्द सबसे ज़्यादा औरत के चेहरे की खूबसूरती से करीब आते हैं। हमेशा ज़िंदगी में गमों से दूर रहने की कोशिश करें। ज़रा ज़रा सी बात पर रोने की या मुंह फुलाने की आदत को निकाल फेंकें। कोशिश करें कि हमेशा अच्छे ताज़ा दम चेहरे के साथ उससे मिलें। इसके लिए महंगे महंगे मेकअप की जगह अपनी जाती कोशिशों से खूबसूरत दिखने की करें, यानी नेचुरल ब्यूटी। अगर ज़रूरत हो तो बालों का स्टाइल चेंज करें, कपड़े जिसामत के हिसाब से पहनें जो आप पर जचते हों। ये वो तमाम प्रैक्टिकल बातें हैं जो आपकी कशिश में इजाफे का और उसकी तरफ बढ़ाने में ज़बरदस्त मुआउन साबित होंगे। तेरहवां तरीका, अपने आप में चेंज लाए। इन तमाम बातों के बाद आखिरी बात जो बहुत ही अहम है वो ये कि अपने अंदर कभी ईगो ना आने दें, गुस्सा करने की आदत से छुटकारा पाएं, अपना इखलाक और रवैया सबके साथ अच्छा रखें, अपनी खूबसूरती पर घमंड ना करें। किसी के साथ ज्यादती ना करें, हर एक को अपने बराबर का समझें, नेकी करके भूल जाने की आदत डालें। इस तरह जितना मुमकिन हो अपना इनर अच्छा करें। अगर आप में ये क्वालिटी भी पाई जाए तो यकीन मानिए आप अपने पार्टनर को अपनी आदतों से पागल दीवाना बना सकती हैं। क्यों रोते हो इस बेवफा दुनिया में सलीम, क्यों रोते हो इस बेवफा दुनिया में सलीम। आंसुओं से अगर तकदीर बदलती होती तो आज मेरा भी कोई अपना होता। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।